नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं हनीशा, आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं हाड़ोती के ताजा हाल से। कोटा एसीबी टीम ने बारा जिले के अटरू में 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खाते की नकल देने के बदले मांगे थे 10,000 रुपए। सवाईमाधोपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में तय समय के बाद नामांकन लेने पर हुआ विवाद, पुलिस के लाठियां भाजने से दो छात्र गंभीर घायल। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन रैली निकालने को लेकर आमने सामने हुए एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। मैसूर की तर्ज पर कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले की तैयारियां, विजिट कर लौटे मेला समिति के सदस्यों ने बैठक में दी विस्तार से जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा ग्रेन एवं सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन 25 अगस्त को करेगी नागरिक अभिनंदन। भामाशाह मंडी में 10,000 लोगों के जुटने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। कोटा एसीबी की टीम ने गुरुवार को बारा के अटरू में छापामार कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को शाम लाती खाते की नकल लेने की एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोटा एसीबी के सीआई दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि तहसील अटरू के रायपुरिया निवासी फरियादी रतिराम माली ने शिकायत की थी कि उसके शाम लाती खाते की नकल देने के बदले वडोरा पटवार हल्का जीरोद का पटवारी भागचंद मीणा 10,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांग रहा है। पटवारी 2,000 रुपए के पूर्व में ले चुका है और इस पर एसीबी टीम ने मामले का सत्यापन करने के बाद गुरुवार सुबह फरियादी रतिराम मीणा को 8,000 रुपए लेकर पटवारी के अटरू निवास पर भेजा, जहां रिश्वत की राशि लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोच लिया। इसमें परिवादी है रतिराम सुमन, निवासी रायपुरिया है, बड़ोरा पंचायत में। तो उसकी तीन बहने और एक माँ, जिनके नाम नामांतरण खुला था, उसको हत्या के रूप में वो अपने नाम कराना चाह रहा था भाई के रूप में। तो ये पटवारी से पहले मिला होगा दो बार, तो इन्होंने कोई खर्चा बताया, तो वो खर्चा 10,000 रुपये मांगे। तो उसने, गरीब है वो, तो उसने कहा कि साहब मैं तो 10,000 रुपये तो नहीं देना चाहता। और उसने चौकी कोटा हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं ठाकुर चंद्र श्री कुमार जी, उनको रिपोर्ट पेश की कि साहब मैं पैसे नहीं देना चाहता, जिस पर 19 तारीख को सत्यापन कराया तो बिल्कुल सत्यापन सही होना पाया। 2,000 रुपये सत्यापन के दौरान भी प्राप्त किए इन्होंने पटवारी जी ने, और आज ट्रैप का आयोजन किया गया जिसमें 8,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों कार्रवाई जारी है। सवाईमाधोपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन भरने के नियत समय 3 बजे के उपरांत भी महाविद्यालय प्रशासन किसी का नामांकन फॉर्म ले रहा था। यह देख मौके पर मौजूद छात्र छात्राओं ने आपत्ति जाहिर की और महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने मौजूद छात्रों पर लाठियां भांज दी। इसमें दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं कन्या महाविद्यालय में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया है। छात्रों में इस घटना को लेकर जबरदस्त रोष व्याप्त है। 3 बजे नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद में हमने छात्र कार्यकर्ता तो लेने के लिए हमारे दो कार्यकर्ता राजेंद्र जी और माधव जी को भेजा था। तो पुलिस ने, इन्होंने देखा कि 3:12 पे कोई गर्ल्स अंदर फार्म दे रही है और प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है, खिड़की से फार्म दे रही है, गेट से नहीं खिड़की से। तो इन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश करी, तो इनके साथ छीना झपटी करी और फिर इन्होंने जब बोला पुलिस वालों से तो विरोध किया, तो इनके साथ मारपीट की गई। और जब क्या बोलते हैं हमारे छात्रों ने इनका साथ दिया तो उनके साथ दिया बदलता। 3 बजे तक फॉर्म भरा होते हैं गर्ल्स कॉलेज में इलेक्शन के, 3:12 पे एक लड़की फॉर्म भरने गई लेकिन वो फ्रंट गेट से नहीं जा पाई क्योंकि 3 बजे से ज्यादा टाइम हो गया था। तो वो विंडो से गई, उसने अपना फॉर्म दूसरी लड़की को विंडो से दिया और उसने जमा करा दिया। मैं उस टाइम पे कॉलेज के अंदर ही थी, जो मेन गेट है उसके अंदर। तो माधव भैया और ठाकुर भैया सिर्फ मुझे लेने आए थे, बुलाने आए थे और पुलिस वालों ने इनको मारना शुरू कर दिया। ये फिर मारपीट उसके बाद में हुई नहीं, लोग भूल गए थे तो पुलिस ने इनको मारा। कोटा शहर के सरकारी कॉलेजों में गुरुवार को छात्र संघ नामांकन दाखिल करने का दिन था। ऐसे में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद के नामांकन रैली निकालने को लेकर एबीवीपी एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कार्यकर्ताओं की अभद्रता करने पर पुलिस ने हल्का बल किया और उन्हें खदेड़ा।
दरअसल दोपहर 12 बजे एपीपी के छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पुलकित गहलोत की रैली निकल रही थी, उसे देखते हुए एनएसयूआई के छात्र संघ प्रत्याशी भव्य पोरवाल व कार्यकर्ता भी रैली निकालने पर अड़ गए। इस बीच पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। कार्यकर्ता जाट समाज के हॉस्टल के सामने नारेबाजी करते हुए कॉमर्स कॉलेज की तरफ आ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने समझाइश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और पुलिस के साथ अभद्रता करने लगे। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को तितर बितर किया। वहीं बूंदी के राजकीय महाविद्यालय व कन्या महाविद्यालय में गुरुवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए और इस मौके पर राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए 7 नामांकन भरे गए और वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए 4, संयुक्त सचिव के लिए 4 और महासचिव पद के लिए 5 नामांकन दाखिल हुए। वहीं कन्या महाविद्यालय में चारों पदों पर एवीपी के एक एक उम्मीदवार ने ही नामांकन दाखिल किया। ऐसे में सभी पदों पर एवीपी उम्मीदवारों की एक तरफा जीत मानी जा रही है। छात्र संघ निर्वाचन 2019 के लिए आज दिनांक 22 अगस्त को नामांकन का दिन था। अब तक 3 दलों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ग्रामीण छात्र परिषद और एनएसयूआई। महाविद्यालय में नियमित 6024 विद्यार्थी हैं और दिनांक 27 तारीख को मतदान होगा प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक। मैसूर के प्रसिद्ध दशहरा मेले की तर्ज पर इस बार कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले के आयोजन की तैयारियां की गई है। मैसूर के विजिट करके कोटा लौटे मेला समिति के सदस्यों के साथ गुरुवार को मेला समिति के अध्यक्ष राम मोहन मित्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त कीर्ति राठौर सहित शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सदस्यों ने मैसूर मेले के कार्यक्रमों के साथ वहां की जाने वाली तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही गणमान्य लोगों ने मेले के प्रचार प्रसार के साथ दशहरा मेले को भव्य और आकर्षक बनाने पर अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में कवियों द्वारा नई कविताएं सुनाने के साथ मेले की लाइटिंग सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। हमारे जैसे पर्यटन के जो विभाग से आए थे भटनागर जी, उन्होंने भी सुझाव दिए कि हम जो प्रयास करते हैं कि ये मेला सांस्कृतिक धरोहर है हमारा, उसके अनुरूप ये मेला भरे। तो जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि जो मैसूर का मेला होता है उसमें पूरा दखल राज परिवार का होता है, राज परिवार के और स्थानीय जनता के दखल से वो मेला भरा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है, निगम का दखल पूरा रहता है। इसी यही एक कारण है कि अगर जैसे आज हमारी जो टीम मैसूर गई है, 3 साल के प्रयास के बाद हमें इसकी टूर की स्वीकृति मिली। इससे पूर्व मीनाक्षी जी और टूर ऑपरेटर हैं भटनागर जी, इन्होंने एक स्टॉल लगाई थी जिससे कि हमारे विदेशी पर्यटक काफ़ी आए थे। उसके बाद इस तरह के प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे, उनका कहना है कि प्रयास हमारा वर्ष भर चलना चाहिए और एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो इस मेले के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार करे। प्रचार प्रसार की निश्चित, मैं खुद इस बात को स्वीकार रहा हूँ, हमारे लाखों रुपए खर्च होते हैं लेकिन प्रचार प्रसार की कमी है इसमें, इसके यही एक विशेष कारण है। और मेले की भव्यता, चाहे वो दुकान आवंटन को लेकर हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ने प्रतिनिधि कोटा शहर के जनप्रतिनिधियों ने या समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने अपने सुझाव दिए, उन सुझावों पर पूरा अमल किया जाएगा। जैसे उनके एक सुझाव में बहुत अच्छा सुझाव था कि पर्यावरण की दृष्टि से आतिशबाजी की जगह यदि लेजर लाइटिंग का और लेजर आतिशबाजी का हम प्रयोग करें तो एक वो खूबसूरती भी आएगी और एक पर्यावरण को भी हम बचा सकेंगे। दूसरा, जो हमारा डेकोरेशन होता है वो डेकोरेशन में बहुत कमी रहती है, सिर्फ एक सामान्य सीरीज के माध्यम से डेकोरेशन कर दिया जाता है। इस बार हम आकर्षण के रूप में जो डेकोरेशन आकर नई नई टेक्नोलॉजी की वो डेकोरेशन होते हैं उनको लगाने का प्रयास करेंगे। शहर के जितने प्रबुद्ध चौराहे हैं, प्रबुद्ध बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर हम लाइटिंग, ये नई टेक्नोलॉजी की लाइटिंग लगाएंगे ताकि लोगों को लगे कि भाई क्या त्यौहार है, किस कारण से लाइटें लग रही है, उससे लोग मेले में आने के प्रति आकर्षित होंगे। इसी प्रकार कई अन्य सुझाव पार्किंग को लेकर, सुरक्षा की दृष्टि को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर और विशेष तौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सुझाव आया उस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा ग्रेन एवं मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से 25 अगस्त को भामाशाह मंडी परिसर में भव्य नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से चल रही है, जिसमें कई संगठनों के 10,000 से अधिक लोगों के जुटने का अनुमान है। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कोटा ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश राठी ने बताया कि न केवल कोटा बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि कोटा के सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में उनका नागरिक अभिनंदन कर भामाशाह मंडी के व्यापारी गौरवान्वित महसूस करेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों और मंडी व्यापारियों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अभूतपूर्व योगदान रहा है, चाहे वह लहसुन की फसल के समर्थन मूल्य पर खरीद हो या भामाशाह मंडी परिसर के विस्तार का मामला हो। लोकसभा अध्यक्ष ने हमेशा किसानों और व्यापारियों के हित में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ओम जी बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि पूरे देश के प्रथम 5 नागरिकों में आते हैं। ये पूरे हाड़ोती पूरे राज्य का ये सौभाग्य है, और जितना उन्नत उनका मंडी से रहा है, जो गहरा ताल्लुक उनका रहा है, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने यह तय किया है कि उनका एक विशाल अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाए। और इस आयोजन को एक नागरिक अभिनंदन के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कोटा के समस्त शैक्षणिक, औद्योगिक, सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक संगठनों को, पदाधिकारियों को बुलाया गया है, संस्थाओं को, सभी जितने भी समाज हैं उन सब लोगों के पदाधिकारियों को बुलाया गया। समाज के स्टेज में है कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी में वो फाइल है, जहाँ पर बिरला जी स्वयं मौजूद हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये अगर प्रोजेक्ट होता है तो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कन्वर्जन और सबसे बड़ा काम होगा। तो पेबैक नहीं है, ये एक मन से उस व्यक्ति का सम्मान है जिसने अपना पूरा जीवन और पूरी ताकत हम लोगों के लिए लगाई। और पूरा शहर जब उनका अभिनंदन करेगा तो निश्चित रूप से मानिए कि फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि ग्रेन मर्चेंट नेशन को ये मौका मिला है। कोटा के नयापुरा स्थित खाई रोड पर खुली शराब की दुकान का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने गुरुवार को स्वामी विवेकानंद सर्किल पर एकत्र होकर शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग ने रिहायशी इलाके में दुकान की अनुमति दे दी, जबकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एक मंदिर स्थित है, जहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना के लिए आती है। ऐसे में शराबी महिलाओं पर फफ्तियां कसते हैं। लोगों ने कहा कि अगर जल्द इस दुकान को शिफ्ट नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो शराब की दुकान आवंटित की है बिल्कुल गैर तरीके से बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर सुबह शाम पूजा अर्चना भक्ति होती है। यहाँ पर अभी अनंत चतुर्दशी के लिए गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होगी। यहाँ पर 50 मीटर के दायरे में सरकारी स्कूल है, जहाँ पर बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पर पोस्ट कॉलोनी है, यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार सब मिलकर मनाते हैं। यहाँ पर इनके नॉर्म्स के अनुसार 150 मीटर के अंदर मयूर टाकीज है, मगर इन सबके बावजूद भी किस तरह से इन्होंने आवंटित कर दी, ये हमें प्रशासन की समझ में नहीं आता है। गैर तरीके से पैसे खाकर ये दुकान आवंटित कर दी। हम पूरे व्यापार से इसका विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर शराब की दुकान यहाँ नहीं खिलने देंगे। हम हमारी बहन बेटियों का अपमान यहाँ नहीं होने देंगे। बूंदी जिले के नमाना क्षेत्र में ओलावृष्टि के दौरान नष्ट हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा और उन्होंने नमामा कालपुरिया मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर जाम लगा दिया। जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग सहित मुआवजा राशि जारी करने की मांग पर अड़े किसानों ने जाम को धरने में तब्दील कर दिया। हालांकि कलेक्टर या स्थानीय अधिकारी मौके पर नहीं आए, ऐसे में किसान देर शाम तक धरने पर बैठे रहे। किसानों ने टेंट लगाकर कांटे डाल दिए। बता दें कि बूंदी जिले में ओलावृष्टि के दौरान गेहूं, सरसों और धनिया की फसल बर्बाद हो गई थी, जिसको लेकर सरकार ने मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। इसी साल गेहूं की फसल में लगभग जनवरी फरवरी में हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, जिससे 90% नुकसान हुआ है। यानी कि गेहूं की उपज सिर्फ 50 से 60 केजी प्रति बीघा, आप समझ सकते हो 50 से 60 केजी प्रति बीघे में क्या होता है। तो जिस टाइम ओलावृष्टि हुई थी, कलेक्टर साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी लोग आए थे, सब ने देखा गाँव में घूम घूम के और सब ने निश्चित किया भाई इस गांव में 90% नुकसान है तो मुआवजा भी मिलेगा। सब ने उस टाइम पे संतुष्टि पूर्वक जवाब दिया कि आप लोगों को मुआवजा मिलेगा। उसके बाद में चलता रहा तो अभी कुछ ही दिनों में सुनने में आता है कि इस गांव का नाम मुआवजा लिस्ट से काट दिया गया है। तो इसमें जांच होनी चाहिए कि किस पटवारी ने सर्वे रिपोर्ट बनाई, किस कर्मचारी ने सर्वे रिपोर्ट बनाई और हमें मुआवजा मिलना चाहिए।
सवाईमाधोपुर के शहीद कैप्टन रिपु दमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर नामांकन भरने की प्रक्रिया के दौरान ही घमासान शुरू हो गया है। नामांकन के दौरान गुरुवार को छात्रों ने जुलूस निकाले और नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय पहुंचे, जहां पुलिस की ओर से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद छात्रों के दो गुट नामांकन भरने के दौरान आमने सामने हो गए। इस स्थिति को संभालते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों छात्र गुटों को अलग किया। इस दौरान विभिन्न दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। मेरी योजना के मतलब अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को सड़क और बिजली सबकी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे हमें कॉलेज होना चाहिए उसके लिए, और हर कोई तरीके से सभी बच्चे परेशान हैं, इसलिए मैं उनकी सेवा करने का एक बार मौका देना चाहता हूँ। और मैं सभी भाइयों से और मेरी बहनों से कॉलेज से यही विनती करता हूँ। शहीद कैप्टन रिपु दमन सिंह राजकीय पीजी महाविद्यालय से मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर छात्र संघ अध्यक्ष पद का नामांकन भरा है, और मैं इस कॉलेज के लिए पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, और मुझे इस कॉलेज को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। इस कॉलेज के लिए मेरा भी सपना है कि मैं भी एक बार छात्र संघ अध्यक्ष बनकर छात्र छात्राओं के लिए कुछ काम करूँगा, और हम सब आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं मेरे युवा साथियों के माध्यम से कि ये चुनाव हम लोकतांत्रिक तरीके से और शांति सद्भावना जोश और होश के साथ चुनाव लड़ेंगे। कोटा के जेके नगर बॉम्बे योजना में टूटी फूटी सड़कों, बरसाती पानी के निकासी नहीं होने और कचरे को लेकर पार्षदों की ओर से सुनवाई नहीं करने से नाराज लोग गुरुवार को सड़कों पर उतर आए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पार्षद मधु कंवर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों का आरोप है कि बारिश के बाद बॉम्बे योजना में सड़कों पर पानी भरा हुआ है और समय पर सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। इस संबंध में कई बार अवगत कराने के बावजूद पार्षद कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोगों ने पार्षद मधु कंवर पर वोट के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। पूरी सड़क जाम देख लो, हमारे खुद रही है, पूरे घरों में पानी भरता है, हम कहाँ तक परेशानी आएंगे। मधुवाड़ा के पास जाते हैं, मुझे तो बॉम्बे योजना ने थोड़ी जिताया, हमें तो लोहार बस्ती वालों ने जिताया, तो लोहार बस्ती जिताती है और तो हमारा कुछ सुनती नहीं है। जब भी जाते हैं जब भी भगा देती है हमें, जब जाते हैं भगा देती है। तो काम नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं दिया तो हमारा काम नहीं करती है वो, तो बस है ना। जो वो मधुवाड़ा किस काम की है, काहे की वार्ड पार्षद है हमारी मोहल्ले की, काहे की वार्ड पार्षद है, किसी भी काम की नहीं है हमारी। समस्या यहाँ पे इस तरीके की है कि जेके नगर बॉम्बे योजना के अंदर ये जो नाला है, नाले का पूरा पानी पूरी बस्ती में घूमता है और इस घुटने घुटने पानी जाता है। ये बस्ती वाले इतने परेशान हैं, और जो कचरा सामने पड़ा है आपके, ये कचरा जो आपके सामने पड़ा है, इससे डेंगू बीमारियाँ, यहाँ के लोग अस्पताल में जा जाकर करीबन यहाँ के 50 बच्चे 100 बच्चे करते हम MBS के अंदर भर्ती है। इतनी समस्या है, मधु तंवर हाला के पास जाते हैं तो वो कहती है तुमने हमको वोट नहीं दिया, मुझे इस बस्ती से कोई नहीं लेना देना है, मुझे दोबारा चुनाव नहीं लेना है, मुझे इस बस्ती से कोई मतलब नहीं है। और आए दिन हम उसके पास सफाई के लिए जाते हैं तो कहती है कि ना तो आपके ठेकेदार के पास जाओ, निगम में जाओ, आपने क्या नाम है वो चेयरमैन के पास जाओ, उनसे जाए कहो, हमारा कोई रोल नहीं है। कोटा की उम्मीदों को उड़ान के लिए अब जल्द ही पंख लगेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 6 सदस्यीय टीम 2 दिन से कोटा में मौजूद है। यह टीम एयरपोर्ट के प्रस्तावित जगह का अवलोकन करने आई है। कोटा को लंबे समय से एयरपोर्ट की आवश्यकता थी। कोटा संभाग में रहने वाले लोग लगातार एयरपोर्ट की मांग करते आ रहे हैं। कोटा एजुकेशन नगरी होने के कारण हर साल लाखों स्टूडेंट कोटा पढ़ने आते हैं, इसलिए एयरपोर्ट के अभाव में छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने गुरुवार को जिला प्रशासन के साथ मिलकर शंभूपुरा सहित प्रस्तावित 3 जगहों का अवलोकन किया। इस मौके पर नगर विकास न्यास कोटा के अधिकारी भी मौजूद रहे। छात्र संसद के चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। कैंपस के जंग के लिए गुरुवार को कोटा विश्वविद्यालय सहित 9 कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया हुई। एबीवीपी एनएसयूआई सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पूरे दमखम से नामांकन दाखिल किया। हालात यह रहे कि कॉलेज कैंपस राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गए। देखिए छात्र संसद से जुड़ी एक रिपोर्ट। कॉलेज कैंपस के आसपास जोर आजमाइश करते युवा कैंपस की जंग की तैयारी में जुटे हैं। गुरुवार को नामांकन का दिन है तो भविष्य के नेताओं ने पूरी जान लगा दी। लग्जरी गाड़ियों पर पोस्टर और बैनर बनाकर अपनी ताकत का एहसास कराने में जुटे। छात्र संसद में लड़कियां भी कहां पीछे रहने वाली थी। चडीवी गर्ल्स कॉलेज में भी छात्राओं का उत्साह सातवें आसमान पर रहा।
हालांकि इस बार प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक व अनुमोदक को ही कैंपस में एंट्री मिल पाई। सुरक्षा जाब्ते ने प्रत्याशियों के समर्थकों को कैंपस के बाहर ही रोक दिया। मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं यहाँ पे छात्र नीति राजनीति करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ छात्र नीति करने आई हूँ। यहाँ बहुत सी गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी हर बात का सॉल्यूशन यहाँ करने आई हूँ। यहाँ जेरोक्स मशीन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए यहाँ काम करना चाहती हूँ। यहाँ पानी और वॉशरूम की बहुत समस्या है, तो मैं उस समस्या के लिए हल निकालना चाहती हूँ अगर मैं यहाँ से निकलती हूँ तो। उसके अलावा यहाँ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है, किसी हिस्ट्री की क्लासेस नहीं लगती, तो मैं वो क्लासेस लगवाना चाहती हूँ। और बहुत सी चीजें जो मैं यहाँ करना चाहती हूँ। राशि अड़ा राजकीय कला करना मानते हैं। 21वीं सदी की इस नारी में भी समय के साथ वेशभूषा व तेवरों में बदलाव देखने को मिला है। भविष्य में नेता बनने के चाह में नामांकन के दौरान ये युवतियां अलग अलग अंदाज में नजर आई। किसी ने साफा तो किसी ने माला पहनकर कोई अलग अंदाज के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रही है। मैं जेडीबी कॉमर्स कॉलेज से चुनाव लड़ रही हूँ अध्यक्ष पद के लिए। किस पार्टी से? एबीवीपी से हूँ मैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता मेरी यही रहेंगी कि मेरे समय में जो शैक्षणिक गतिविधियाँ कॉलेज की वो बिल्कुल अच्छे से चले, और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जो लड़कियाँ उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, जिनमें उनकी रुचि है हर क्षेत्र में वो कामयाबी हासिल करें, कॉलेज में कम सुख सुविधाएं होते हुए भी उन्हें जो भी उनकी जरूरत है उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पिछले साल भी हमारे कॉलेज में चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत के लाए और स्पोर्ट्स में भी अच्छा करते रहे, तो आगे भी हमारा यही है कि हर तरीके से बस गर्ल्स का डेवलपमेंट। नामांकन के दौरान कॉलेज कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। छात्राओं को कॉलेज कैंपस के बाहर रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इन सबके बीच कई छात्र छात्राओं ने चार पहिया वाहन का उपयोग कर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी। 28 अगस्त को होने वाले चुनाव में करीब 22,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं मतदान करेंगे। ऐसे में छात्र संघ चुनाव में 5,000 रुपए का खर्च और प्रिंटेड सामग्री का इस्तेमाल रोकना आसान नहीं है। ऐसे में लिंगदोह समिति के सिफारिशों को लागू कराना कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रबंधन ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन और पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होगा। यही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रत्याशी तो घोड़ी पर बैठकर रैली के रूप में नामांकन भरने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने नगर चौराहे पर ही रोक लिया। बाद में समझाइश कर प्रत्याशियों को कॉलेज में भेजा गया। ये मैं राजकीय कला महाविद्यालय शिक्षा संघ अध्यक्ष पद के लिए मैंने नामांकन डाला है। मैं अखिल भारतीय विद्या परिषद एबीपी से चुनाव लड़ रहा हूँ, जो कि यहाँ पर छात्रों की अधिक दिक्कत है, पैदा हो रही है। यहाँ पर वाटर कूलर में पानी नहीं आता, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, बाहरी छात्र आते हैं तो बहनों को परेशान करते हैं और बिना आइडेंटिटी कार्ड के यहाँ पर आते हैं। और हमारी जो मूलभूत बिल्डिंग है उसको भी अभी तक हमें सौंपा नहीं गया है। हमारी आवश्यकता है, सबसे मांग है कि राजकीय कला महाविद्यालय की जो मूलभूत बिल्डिंग बनाई जा रही है उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए और हम उसके सभी छात्रों को कॉलेज में सौंपा जाए। हमारे कॉलेज में अभी वर्तमान में ना तो कमरों की व्यवस्था है ना कुछ है, तो इसी मांग को कारण हम मांग करते हैं कि कॉलेज में कमरों की आवश्यकता पूर्ण करें, जिससे कल सुचारू कक्षाएँ शुरू हो सके। छात्र संघ चुनाव को लेकर गुरुवार को कोटा विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद महासचिव पद के लिए छात्रों ने अपने नामांकन दाखिल किए। एबीपी से गुंजन झाला ने, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विक्रम नागर ने अपना नामांकन दाखिल किया। कोटा विश्वविद्यालय में नामांकन दाखिल करने के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। वहीं हरिओम गुजर रैली निकालता हुआ काफिले के साथ अपने नामांकन दाखिल करने के लिए विश्वविद्यालय पहुँचा। हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में परमानेंट फैकल्टी की बहुत कमी है। यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और नए कोर्सेज बहुत सारे शुरू कर दिए हैं, 2-3 कोर्सेज नए शुरू हुए हैं, तो उनमें परमानेंट फैकल्टी की व्यवस्था नहीं है, गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था करी दी है। तो मेन मुद्दा ये रखेंगे कि गेस्ट फैकल्टी को हटाकर परमानेंट फैकल्टी की व्यवस्था की जाए, और मेन मुद्दा है एक तो गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया जाए और ई लाइब्रेरी शुरू की जाए ताकि छात्रों को और प्रकार की बुक मिल सके और पढ़ने में आसानी हो। जिस तरीके से बात की जा रही है यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा ही टास्क है। बाकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझ पर पुनः विश्वास जताया है, उन्होंने मुझे यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया है और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज का द्वितीय दीक्षांत समारोह गुरुवार को कैंपस के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर 2016 और 2017 बैच के छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान की गई। समारोह के मुख्य अतिथि कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नलिमा सिंह रही। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, अकेडमिक इंचार्ज डॉक्टर दीपिका मित्तल और चिकित्सा शिक्षा इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश एन राय भी मौजूद रहे।
दीक्षांत समारोह में दोनों सत्रों में MBBS के 287, MDMS के 137 तथा पैरामेडिकल के 66 छात्र छात्राओं को डिग्रियां तथा गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इससे पूर्व न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा का दीक्षांत समारोह 2015 में हुआ था। मेडिकल कॉलेज में डिग्री और बच्चों को डिप्लोमा वगैरह बच्चों को डिग्री बांटते थे, बहुत अच्छा। और मैं सभी जितने भी आज डिग्री मिली है बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ उनके उज्जवल भविष्य का। संस्थानिक दीक्षांत समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया जयपुर आर्य एच एस में हुआ, जिसमें पोस्ट डॉक्टर स्टूडेंट्स को डिग्री दी, लेकिन यहाँ पे हमने सब MBBS स्टूडेंट्स MDMS स्टूडेंट्स जो 1916 और 1917 में पास आउट हुए और डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स MLT DMLT रेडियोलॉजी के डिप्लोमा होल्डर उन सबको डिग्रियाँ दी। टोटल 490 एलिजिबल कैंडिडेट्स थे जिनको डिग्रियाँ आज कन्फर की गई और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह से उन्होंने भाग लिया। झालावाड़ के कॉलेज कैंपस में छात्र संघ चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन भरने के साथ ही विभिन्न उम्मीदवारों के प्रचार का शोर शुरू हो गया है। दोनों ही प्रमुख दल NSUI और IBOP के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। PG कॉलेज झालावाड़ में NSUI से अध्यक्ष पद के लिए राहुल मीणा और उपाध्यक्ष के लिए राजेश्वरी शर्मा एवं IBOP से अध्यक्ष पद पर अरविंदर कुमार, उपाध्यक्ष के लिए नवीन भील, महासचिव के लिए रामेश्वर चौहान और संयुक्त सचिव पद पर राय सिंह लोधा ने नामांकन पत्र भरा। वहीं गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ में यशिका सोनी ने IBOP से अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी के बीच नामांकन दाखिल करने पहुंचे। पिछले दिनों कोटा संभाग में हुई तेज बरसात से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन अतिवृष्टि के चलते हजारों बीघा की फसलें पानी भरने से नष्ट हो गई। अतिवृष्टि को लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जिले के कई क्षेत्र और गांव ऐसे हैं जहां पर आज तक कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या राजनेता हालात का जायजा लेने नहीं पहुंचे हैं। अब किसानों की पीड़ा है कि निचले स्तर पर ग्राम सेवक व पटवारी उनकी सुनते नहीं हैं। ऐसे में मजबूर किसान अपनी बर्बादी को देखकर खून के आंसू रो रहा है और कर्ज लेकर बची खुची फसल को बचाने के लिए महंगी दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। हम आपको सुल्तानपुर क्षेत्र के अमरपुरा और आटोन के हालात दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खेतों में लगभग 1.5 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है और जिस जगह पानी की निकासी हो गई है उस जगह की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, लेकिन सरकारी अधिकारी आज तक यहां सर्वे करने नहीं पहुंचे हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने भी हालात जानने का प्रयास नहीं किया है। सवाई माधोपुर पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को प्रधान सूरजमल बेरवा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन के समक्ष रखी और उनके समाधान की मांग की। बैठक के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों एवं बिजली पानी का मुद्दा छाया रहा। वहीं 1 सितंबर से भरने वाले गणेश मेले को देखते हुए सुरवाल से शेरपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करवाने एवं रास्ते को साफ करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पंचायत समिति क्षेत्र के विकास को लेकर कई अहम निर्णय एवं प्रस्ताव ले गए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। साधारण सभा की बैठक में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो PWD का रहा, क्योंकि निकट दो इसको सितंबर को गणेश जी का मेला आ रहा है और सूर्यवाल से गणेश धाम तक रास्ता बिल्कुल खराब हो रहा है, उधर श्यामपुरा से मुनपाड़ी तक का रास्ता बिल्कुल खराब हो रहा है। तो हमने इनको इस बात को जोड़ दे के कहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पदयात्री प्रारंभ हो चुके हैं, जितना जल्दी हो सके इस रास्ते को दुरुस्त कराओ ताकि यात्रियों को परेशान नहीं हो। दूसरी बात यह है कि रोड के दोनों तरफ 50 कहीं 75 फीट जमीन इन्होंने अपने PWD के पास है रोड की, तो हमने इनको ये भी कहा कि भाई आप PWD के दोनों तरफ जो आपके रोड के दोनों तरफ जो ये जो बमूले के पेड़ है, ये दक्षिणी बोर्ड जिसको कहते हैं अपनी साधारण भाषा में, वो उन्होंने उनसे इतना भयंकर अतिक्रमण हो रहा है कि रास्ता दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंटों के बहुत बड़े हो रहा है। क्योंकि गणेश दर्शन के लोग पैदल भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है। इनको कहा कि आप जितना तत्काल इसको करवाए, क्योंकि इनको कल मैंने जिलाधीश के वहाँ परिसर उसमें सभागार में मीटिंग भी की, ये मुद्दा वहाँ भी उठाया था। रामगंज मंडी क्षेत्र के चेचड़ स्थित राजकीय शास्त्री संस्कृत कॉलेज में गुरुवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इस मौके पर IBOP से कार्तिक कपूर और NSUI से उमेश कुमार माली ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं IBOP से मुस्कान कुमारी ने उपाध्यक्ष, दीपक कुमार ने महासचिव और पवन शाकेवाल ने संयुक्त सचिव के लिए पर्चा भरा। इसके अलावा NSUI से उमेश कुमार ने उपाध्यक्ष, रेखा सुमन ने महासचिव और शिवराज सिंह ने संयुक्त सचिव के लिए अपना नामांकन पेश किया।
कॉलेज के 455 छात्र छात्राएं छात्र संघ कार्यकारिणी के लिए अपना वोट डालेंगे। सवाई माधोपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के दौरान गुरुवार को नामांकन किया गया। महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए 2 छात्राओं ने नामांकन भरा। इसके अलावा महासचिव तथा संयुक्त सचिव पद के लिए भी 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। नॉमिनेशन मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया। अब आज नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। नामांकन पत्र के लिए अनुशासन की पूरी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमने अपनी टीमें बना दी हैं। अध्यक्ष और सचिव की एक टीम ले रही है, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव की एक टीम ले रही है और कक्षा प्रतिनिधियों के लिए एक टीम ले। बदस्तूर शांतिपूर्ण हमारे यहाँ नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन वापस कब लिए जा सकेंगे? नामांकन का अभी हम 3 बजे तक नामांकन भरवाएंगे। नामांकन बच्चियां दाखिल करेंगी, उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक ये हम उनकी चेकिंग करेंगे कि ये फॉर्म सही हैं। जो वैध नामांकन सूची आएगी हमारे साथ, फिर हम कल उनको 10 बजे उनको हम प्रकाशित करेंगे। रातभाटा के राजकीय महाराणा प्रताप महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए हुए नामांकन में एवीपी और एनएसयूआई ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। एवीपी ने मानव मंदिर से रैली निकाली तो एनएसयूआई ने महापलेश्वर मंदिर से। दोनों रैलियों में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल रहे। एवीपी की ओर से अध्यक्ष पद पर राहुल धाकड़, उपाध्यक्ष पद पर मेघा राव, महासचिव पद पर कपिल गुप्ता और संयुक्त सचिव के लिए पीयूषा मेहर ने नामांकन दाखिल किया। वही एनएसयूआई से अध्यक्ष पद पर सुखदेव गुर्जर, उपाध्यक्ष पद पर शिवानी बारिशा, महासचिव पद पर मधु मीणा और संयुक्त सचिव के लिए हरीश लक्षकार ने नामांकन दाखिल किए। 22 तारीख को आज नामांकन का दिन है। आज बच्चे नामांकन फाइल करेंगे। कल नाम वापसी की डेट है। नाम वापसी के पश्चात वैध जितने भी उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट पब्लिश करेंगे। चुनाव को संपन्न करना रहे तो शासन एवं प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी को हमने लेटर इशू किए हैं कि महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आउटर जितने भी लोग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस जाब्ता पूरा पुख्ता किया गया है और जितने भी पदाधिकारियों को लेटर्स लिखने थे व्यवस्था बनाने के लिए वो सभी इशू किए जा गए हैं। 27 पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल गुरुवार को सवाई माधोपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश जैन तथा वरिष्ठ नेता भरत लाल मथुरिया भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में गोठवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, ऐसे में भाजपा अब राज्य सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरने को तैयार है। उन्होंने कहा भाजपा द्वारा शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जिले भर से कार्यकर्ता शामिल होंगे। ज्ञापन दिया जा रहा है सभी जिला हेडक्वार्टर पे। उसमें मूल उद्देश्य है SC ST पर बढ़ते हुए अत्याचार। पूरे राजस्थान के अंदर 3021 SC पे मुकदमे दर्ज हुए। SC ने मुकदमे दर्ज कराए हैं जिसमें से 274 बलात्कार के हैं, 133 मुकदमे जो हैं वो मर्डर के हैं। इस तरह से 3021 मुकदमे दर्ज हैं, उनके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश के बाद बारा शहर के कॉलोनियों में भरे पानी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। अधिक बारिश होने और जल निकासी नहीं होने के चलते कई कॉलोनियों के खाली भूखंडों में पानी जमा है, जिनमें मच्छरों के पनपने का खतरा बन गया है। वहीं शहरवासियों ने घरों के बाहर भरे पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा बारिश के पानी से कीड़े मकोड़े निकलने की घटनाएं भी बढ़ रही है। शहर के कोटा रोड स्थित आदर्श नगर में बारिश के पानी के कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर छोटे बच्चों को कीड़े मकोड़े काटने का डर बढ़ गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है सर, आने में बड़ी परेशानी होती है। साधन तो आ ही नहीं सकते, बाद बाकी बड़ी मुश्किल से आना होता है। पानी में सांप वगैरह भी आ जाते हैं, जानवर, बड़ी परेशानी होती है। यही है कि घर के चारों तरफ पानी पानी है, आगे हो पीछे हो, पानी भरने के साथ साथ मच्छर पैदा होते हैं। ठहरा पानी गंदा होता है, बारिश में तो निकलने में बहुत प्रॉब्लम है। रातभाटा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह और समाज सेवी संस्था ने 60 छात्र छात्राओं को जूते और स्टेशनरी वितरित की। बालाजी सॉफ्टेक कोटा शॉपिंग सेंटर और समाज सेवी बालकिशन गुलाटी ने जरूरतमंद बच्चों को सामग्री प्रदान की। इस मौके पर जूते और स्टेशनरी पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी छा गई।
समाज सेवी गुलाटी ने बताया कि शनिवार को आरपीएस स्थित संस्कार स्कूल में बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर बच्चों को स्टेशनरी, जूते और अन्य गिफ्ट दिए जाएंगे। राउतभाटा के उपनगर कहे जाने वाले चारभुजा के बाशिंदे आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। यहाँ सबसे व्यस्ततम चौराहे पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। इस चौराहे को बप्पा रावल चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन स्ट्रीट लाइट के अभाव में रात के अंधेरे में यह चौराहा दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से यहाँ समाज कंटकों का डेरा जमा रहता है। चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर लोगों ने चारभुजा के सरपंच चंद्र ज्योति चुड़ावत से कई मांग की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये थी अब तक की विशेष खबरें। जाने से पहले एक बार फिर से रूबरू होंगे खास हलचलों से। कोटा एसीबी टीम ने 12 जिले के अटरू में 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खाते की नकल देने के बदले मांगे थे 10,000 रुपए। सवाईमाधोपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय में तय समय के बाद नामांकन लेने पर हुआ विवाद। पुलिस के लाठियां भाजने से दो छात्र गंभीर घायल। छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन रैली निकालने को लेकर आमने सामने हुए एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता। पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। मैसूर की तर्ज पर कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले की तैयारियां। विजिट कर लौटे मेला समिति के सदस्यों ने बैठक में दी विस्तार से जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा ग्रेन एवं सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन 25 अगस्त को करेगी नागरिक अभिनंदन। भामाशाह मंडी में 10,000 लोगों के जुटने की उम्मीद। तो अब दीजिए निशा को इजाजत। एसटेन टुडे टीम की ओर से नमस्कार।